अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज़ से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ, गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए शहर में की बड़ी कार्रवाई। हैदराबादी देवपुरी शमशान भूमि समिति की अवैध दुकानें डहाई गई। सेक्टर 11 स्थित कटारिया कॉलोनी के अलावा गोकुल धाम सोसाइटी क्षेत्र में भी अवैध तरीके से बनाए गए चबूतरे और गेट को भी गिराया गया। सेक्टर 29 क्षेत्र के गांव में दहेज में कार न लाने और बेटी का जन्म होने से खफा ससुराल वालों ने महिला को पीटकर बच्ची सहित निकाला घर से बाहर। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना का किया मामला दर्ज। शीत हवा के कारण बढ़ती जा रही है ठंड, 69% दर्ज की गई नमी। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वालों के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई। बरसत रोड पर आनंद गार्डन, रॉयल एनफील्ड सहित 4 प्रॉपर्टी को किया गया सील। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने बीवॉक फैशन डिजाइनिंग व बीवॉक इंटीरियर डिजाइनिंग के 6ठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम किया घोषित। आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने टॉप 10 की सूची में 6 स्थानों पर बनाई अपनी जगह। गुरु नानकपुरा के कच्चे कैंप के घर से 1,00,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 15 संदिग्ध लोगों से कर चुकी है पुलिस पूछताछ। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बाल श्रम से संबंधित जिला सतर्कता कमेटी की बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा कि बाल श्रम रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। फसल बीमा योजना को लेकर कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है प्रचार प्रसार, ताकि जागरूक होकर किसान करा सके फसलों का बीमा। 31 दिसंबर तक किसान करा सकेंगे रबी की फसलों का बीमा। ADGP कला रामचंद्र ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की ली बैठक, कहा किसान आंदोलन से जनता को नहीं होने दी जाएगी कोई भी असुविधा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।